नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग 109 लाल कुआं से हल्द्वानी के बीच की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। सड़कों में ये मालूम नहीं चलता कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। बदहाल सड़कों पर आए दिन सड़क हादसे होते रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इन सब बातों से अनजान बना हुआ है। विभाग की उदासीनता को देखकर ऐसा लगता है कि मानो विभाग कोई बड़ी दुर्घटना होने का इंतजार कर रहा हो। पाइपलाइन ये जल निगम की टूटी हुई है, इसके वजह से गड्ढे पानी भरा रहता है। पानी भरने के कारण ये रोड टूट जाती है। कई बार रिक्शों से इसमें मलबा डलवा दिया है कहीं किसी से, मगर कोई देखता ही नहीं है, किसी आला अधिकारी कोई सुनता ही नहीं है। सड़कों की ऐसी दशा देख आप खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि राज्य के गेटवे ऑफ कुमाऊं लाल कुआं से नैनीताल को जोड़ने वाली सड़क के क्या हालात हैं। राज्य के सत्ता में अच्छा रुतबा रखने वाले 3 मंत्रियों का भी इसी क्षेत्र में निवास स्थान है, जो अक्सर इस रास्ते से गुजरते रहते हैं। लेकिन अधिकारी हो या राजनेता, सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर ये सड़क टूटे हुए काफ़ी समय हो गया है और इसको यहाँ से आए दिन सभी आला अधिकारी गुजरते हैं और आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन किसी की नज़र नहीं जा रही है। प्रशासन जो है एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। बरसातों में यहाँ पानी भर जाता है, लेकिन यहाँ मरम्मत भी होती है तो कई यहाँ रोड के नीचे पुरानी पाइपलाइनें हैं जो लीकेज हैं, जिस कारण से यहाँ रोड नहीं टिक पाती है। यहाँ पर रोड जब बनाने कर्मचारी आते भी उनसे अवगत कराया जाता है कि यहाँ नीचे पाइपलाइन है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है, जिस कारण ये कुछ ही महीने बाद ये सड़क की जो हालत इस तरह हो जाती है, जो आए दिन इसमें मौत के मुंह में समाने के लिए आए दिन लोग समा रहे हैं इसमें, लेकिन कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। बारिश के चलते सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं कि आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं व गाड़ियां गड्ढों में फंस जाती हैं। अब देखने वाली बात है कि आखिर प्रशासन कब तक इस पर ध्यान देता है या यूं ही हाथ पर हाथ धरे किसी बड़े हादसे का इंतजार करता रहेगा। देवभूमि न्यूज़ हल्द्वानी।